नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल पर हमारे कर्मचारी को मिली बड़ी सौगात नए वेतन आयोग के तहत जो उनके भत्ता है वेतन है पुरानी पेंशन का लाभ यानी कि एक साथ तीन बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और आपको कब लाभ दिया जाएगा इसकी जो तारीख है कब कन्फर्म की गई है और कितने परसेंट तक आपको जो पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा कितना आपका खाते में राशि आएगी वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच गया तो आइए दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या बड़ी अपडेट है वही हम आपको बताने जा रहे हैं सरकार ने एक बार फिर से सैंत पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है दरअसल चुनाव से पहले यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है हालांकि निर्णय की परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो कर्मचारी को इससे बड़ा लाभ मिलने की नज़र आ रहे हैं दरअसल एक तरफ जहां उन्हें बाकी भत्तों के लिए नई वेतन आयोग को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया है वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी को पुराने पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा कर्मचारी के वेतन वृद्धि में भी वृद्धि की जाएगी साथ ही उनके जो सहायता राशि में वृद्धि और विभागीय परीक्षा में भी छूट दी जाएगी दरअसल गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग के बाकी बच्चों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा जो कर्मचारी एक अप्रैल दो से पहले सरकारी योजना जो सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं उन्हें पुराने पेंशन योजना और जनरल प्रोविडेंट फंड का लाभ दिया जाएगा इतना ही नहीं दोस्तों जो अन्य भत्ते में भी वृद्धि की घोषणा की गई है राज्य सरकार द्वारा सैलरी के अभी जो हिस्से हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के दस परसेंट से बढ़ाकर चौदह परसेंट का निर्णय लिया गया वहीं राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान उच्च पे स्केल देने का फैसला लिया गया है कर्मचारी को मेडिकल अलाउंस आत्म वेतन आयोग के तहत उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलग सरकारी कर्मचारियों को 15 मांगों पर विस्तृत जो निर्णय लिया गया है पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी कुछ मांगों को स्वीकार करते हुए राज्य के प्रवक्ता मंत्री जीतू वादनी ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी को सतवा वितन आयोग के बताया जो बकाया का भुगतान किया जाएगा वहीं 2005 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारी को पुराने पेंशन और जो फैमिली पेंशन योजना के लिए भारत सरकार के संकल्प 2009 को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा इसके अलावा सीसीसी जो परीक्षा की अवधि को भी बढ़ाया जाएगा दिसंबर 2024 तक कर्मचारी को परीक्षा पास करने का अनिवार्य होगा राज्य के नगर पालिका और महानगर पालिका में कार्यरत शिक्षकों को बड़ा लाभ दिया जाएगा दरअसल उन्हें जा, चौबीस सौ ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा सत्ताईस सितंबर 2011 से पहले भर्ती किए गए प्राथमिक शुक, जो शिक्षक हैं उनको सेवानिवृत्ति के साथ पूर्व वेतन में शामिल किया जाएगा वहीं महिला कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रोजगार की मूल तिथि में छः महीने की मैटर्निटी लीव लेने का भी हकदार रहेगा मृतक के कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली सहायक राशि आठ लाख से बढ़ाकर चौदह लाख कर दी गई है इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को ब्याज दर और कैम्यूटेड पेंशन की अवधि से भी कमी की गई इसके अलावा सक्रिय से सेवा में मृत्यु के मामले में दी जाने वाली सेवानिवृत्ति की राशि भी वृद्धि पर घोषणा कर दी गई है पैंतालीस वर्ष की सीमा के बाद कर्मचारी की परीक्षा में लाभ लेने और लाभ देने का ऐलान किया गया है ये थे आज के हमारे दोस्तों बड़ी अपडेट आई होप आप आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद जय जवान जय किसान